आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अक्सर सरकारी नौकरी में। तो फ्रेंड्स, सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि विभिन्न परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक? जी हाँ दोस्तों, अकबर के शासन काल में 9 जो है नवरत्न रहते थे, जिनको 9 नवरत्न कहा जाता था। और वो 9 रत्न कौन थे जो कि आपके सभी परीक्षाओं में उनका जो है क्रम वाइज पूछा जाता है, या मतलब उनका नेम पूछा जाता है। तो चलिए एक ट्रिक के माध्यम से आप जानेंगे कि अकबर के शासनकाल में वो 9 रत्न कौन कौन थे। यहाँ दोस्तों बात MDH, ये एक ट्रिक है, बात MDH। बी से बीरबल, ए से अब्दुल फजल, टी से तानसेन, डी से भगवान दास, और ए से अब्दुल रहीम, टी से टोडरमल, एम से मानसिंह, और डी से मुल्ला दुपियाजा। और ऐसे देख सकते हैं अकबर के शासन काल के नवरत्न ट्रिक है बात MDH। बी से बीरबल, ए से अबुल फजल, टी से तानसेन, तो ये हो गया बात BAT, बीरबल, अबुल फजल, तानसेन। इसी तरह फिर से बात भगवान दास, ए से अब्दुल रहीम, टी से टोडरमल, तो बात आप देख सकते हैं। और उसके बाद MDH, एम से मानसी, डी से मुल्ला दुपियाजा, एस से हकीम हकाय। तो यह कुल मिलाकर 9 नवरत्न थे जो कि सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आसानी से आप इसको याद रख लेंगे, बात MDH। कोई पूछे कि अकबर के 9 रत्न कौन थे, कितने शामिल थे, तो कुल 9 लोग शामिल थे नवरत्न में, इसलिए नवरत्न कहा गया। और वो 9 रत्न कौन थे, तो बात MDH। और बात MDH से बी से बीरबल, ए से अबुल फजल, टी से तानसेन, डी से भगवान दास, ए से अब्दुल रहीम, टी से टोडरमल, एम से मानसी, डी से मुल्ला दुपियाजा, एस से हकीम हकाय। तो देख सकते हैं ये आप सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट, बात MDH, बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास, अब्दुल रहीम, टोडरमल, मानसी, मुल्ला दुपियाजा, हकीम हकाय। फिर से याद कीजिए, बात MDH, बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास, अब्दुल रहीम, टोडरमल, मानसी, मुल्ला दुपियाजा, हकीम हकाय। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आशा करता हूँ सभी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। और मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।